गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आपको आज मैं एक नई सैर पे ले जाती हूँ। मैं जा रही हूँ मालदीव्स और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको भी अपने साथ घुमाया जाए। चलिए देखते हैं कि मेरा सफ़र कैसा रहता है और आपको अपने साथ ले जाती हूँ। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मैं निकली थी अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग गाड़ी में सामान डाल दिए हैं और ये मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही हूँ। क्या आपको कैसा लगता है ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा माय चैनल को। और ये हम निकले हैं अर्ली मॉर्निंग। हम निकले थे कोई 4:15 के आसपास हम लोग निकले थे। उस टाइम अंधेरा था, मॉर्निंग में निकले थे तो अच्छा लग रहा था। बहुत एक्साइटेड थे हम लोग निकलने के लिए। मैं वेट कर रही थी कि कब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और इस टाइम पे हम लोग को बस खाली खाली रोड सा दिख रहा था। और वैसे भी अभी मतलब ये एकदम अर्ली मॉर्निंग था, तो आप देख ही रहे हो कि कैसे अंधेरा अंधेरा है। तो बस ऐसे ही, तो देखते हैं आगे कैसा होता है सफ़र। हमारे साथ बने रहिएगा। और इस सफ़र में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने मतलब क्या क्या यहाँ पे हमें अच्छा लगा देखने में। और आपको भी मैं दिखा ही रही हूँ ऑफकोर्स। तो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और हमें ड्रॉप करने के लिए आए थे हमारे भाई खारिश भाई। हमें छोड़ने आए थे एयरपोर्ट के लिए और भैया ड्रॉप करके हमें निकल गए। इसके बाद में हम लोग निकल गए थे। हिरेन तो जल्दी जल्दी बैग लेके आगे भाग रहे थे और मैं तो वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी क्योंकि मुझे आप लोगों को जो साथ में घुमाना था। ये देख लो खासगी मास्क का जो चेन है कैसा लग रहा है आपको और आउटफिट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग का सब पेपर्स वगैरह चेकिंग हो रहे थे, पासपोर्ट्स वगैरह सब चेकिंग हुआ। सामान वगैरह हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग मैकडोनल्ड्स में बैठे थे और बस हमने सोचा कुछ खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। हम 3 घंटे पहले हम लोग को एयरपोर्ट पहुँचना। लो ठीक है, मैं फोटो नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली वीडियो कर रही थी। ओके, वीडियो बना रही थी। तो बस इसमें हम लोगों ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि अपने पास बहुत सारा टाइम था एयरपोर्ट पे बैठने के लिए। तो हम लोगों ने खा पी लिया क्योंकि घर से भी हम लोग कुछ खा के नहीं निकले थे। तो हम खा पी के ही फिर बैठे थे, टाइम पास तो हमारा हो ही गया था एयरपोर्ट पर। उसके बाद में जब हमारा टाइम हुआ तो हिरेन का मिडल सीट था तो इनको पहना दिया गया था ये गाउन और हमें शील्ड मास्क मिल गए थे। और इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं अभी फ्लाइट में। और यार सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड थी इस टाइम पे कि कब पहुंचेंगे मालदीव्स करके, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन था अपना। तो यार हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हम फ्लाइट से अभी निकलने वाले, टेक ऑफ करने वाले। गाइस आर यू एक्साइटेड सीरियसली? प्लीज़ ये वीडियो स्टॉप करके आप मुझे बताइएगा कि आप लोग भी एक्साइटेड है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये मुंबई हम छोड़ चुके हैं गाइस। सोचिए आपको कि मुझे ये आपको वीडियो दिखाने में इतना मज़ा आ रहा है तो आपको देखने में कितना मज़ा आना चाहिए। मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। ये देखो सहारा होटल भी यहाँ पर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। चलो यहाँ से तो हम निकल गए। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय करी सीरियसली गए। मुंबई छोड़ने के बाद में हमने क्लाउड्स में से निकले थे और क्लाउड्स में निकलते समय देखो हमने कैसा फील किया। एक तो मतलब क्लाउड्स में पूरा अंधेरा था और जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से छोड़ दिया था उसके बाद में एकदम नीट एंड क्लीन मौसम था। देखो 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 देखो, मालदीव दिख रहा है।
मालदीव्स के सॉरी आइलैंड्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये क्लाउड्स दिखने के बीच में चारों तरफ पानी ही पानी और छोटे छोटे से आइलैंड दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं गाइस। ओह माय गॉड, यहाँ पे हम माले एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पानी पे ही लैंड कर रहे हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है, हम एयरपोर्ट पे ही लैंड कर रहे हैं। सो यहाँ का जो मौसम था अच्छा था, मतलब हाँ ये तो निकलने के बाद ही आपको पता चला था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। आपसे निवेदन है कि इस्तेमाल के बाद अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि रैप अराउंड गाउन, मास्क और वाइजर को टर्मिनल बिल्डिंग में स्थित पीले रंग के वायर हैजर्ड वेस्ट डिस्पोजल बिन में। आपको बताना भूल गई, हमारी फ्लाइट थी एयर इंडिया मुंबई टू माले एयरपोर्ट के लिए, और ये हम लोग इसी फ्लाइट से निकल के हम लोग अभी बस में वहाँ माले एयरपोर्ट तक गए थे, और वहाँ पे हम लोग का सब पेपर वगैरह चेकिंग हुआ, पासपोर्ट वगैरह चेकिंग हुआ, उसके बाद में हम लोग बेल्ट पे अपने लगेज वगैरह लेने के लिए रुके हुए थे। सो ये वहाँ का एयरपोर्ट है, माले एयरपोर्ट का मतलब कि जो भी है एरिया जहाँ पर हम लोग अपना लगेज लेने के लिए खड़े थे। और उसके बाद में ये वहाँ पे छोटे छोटे से काउंटर थे जो अपना E3 था, मतलब कि एयरपोर्ट के अंदर ही सब रिसॉर्ट्स के छोटे छोटे ऐसे काउंटर्स होते हैं, हमारा E3 में काउंटर था, हमारे एटमोसफेयर कानीफुशी करके अपना रिसॉर्ट था, वो हमने उनको पेपर्स दिखाए थे, उसके बाद में वो हमारे सारे भी पेपर्स चेक करके हमें खुद जेटी के मतलब कि एयरपोर्ट तक लेके गए। वो एरिया था जहाँ पे वो अपने को लेके गए थे, सब उन्होंने बोर्डिंग्स हमारे करवाए थे खुद वो, ये देखो पीछे जो हमारे खड़े हैं ये हमारे बोर्डिंग्स करवा रहे हैं। उसके बाद में हमारा वो सब होने के बाद में ये हमें उसकी मतलब वैन में हमें लेके गए हमारे एटमोसफेयर के मतलब कि जो वेटिंग रूम था हमको वहाँ तक लेके गए थे। और ये वैन से मैंने बनाया हुआ व्यू है जो हमें एयरपोर्ट से माले एयरपोर्ट से बाहर निकल के दिख रहा था, गाइस इतना सुंदर लग रहा था ना देख के कि हम कब मतलब कि हम अपने रिसॉर्ट में पहुँचेंगे, कब ये सब चीज़ें खुद इंजॉय करें, क्योंकि हम दूर दूर से देख रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइस ये जो फ्लाईओवर है ये है माले सिटी का, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं आई थिंक सब लोग बोल रहे थे कि ये होटल है, पर मुझे लगता है वहाँ का मस्जिद है क्योंकि माले से जब निकल रहे थे ना तो देखते ही मुझे इतनी ऊंची लहरें दिख रही थी कि मन कर रहा था कब निकलूँ और मैं इसके पास खड़े होकर से फील करूँ। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए अपने एटमोसफेयर रिजॉर्ट के वेटिंग रूम में जहाँ पे हमको छोटे फ्लाइट जेटी का वेट करना था, इन्होंने हमें काफ़ी वेट करवाया यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ पे बैठे थे तो भूख लग गई थी, तो वहाँ पे चाय नाश्ते का पूरा इंतज़ाम था रिसॉर्ट वालों की तरफ से, तो हम लोगों ने चाय कॉफ़ी सब पी लिया था और माले एयरपोर्ट से उतर के हम लोगों को जस्ट यहाँ वेटिंग पे बिठाया है, और 3 बजे का टाइम दिया है कि फ़्लाइट आएगी, फिर उसके बाद हमें वो लेके जाएगी रिजॉर्ट में, तो तब तक के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। चाय कॉफ़ी हम कर चुके हैं और 3 बजे जब फ्लाइट आएगी उसके बाद में सी प्लेन से हमारा ट्रांसफ़र होगा रिजॉर्ट में, फिर वहाँ पहुँच के फिर आपको बाकी का दिखाते हैं। फिलहाल तो मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि बैटरी लो हो चुका है, फ़ोन का बैटरी लो हो चुका है, कभी भी बंद हो सकता है। आपने बनाई कॉफ़ी, थैंक यू। ये बोल रहे हैं कि कॉफ़ी इन्होंने बनाई, तो मैंने बोला थैंक यू, इससे ज़्यादा अच्छी बात है मैंने बनाई। हाँ तो ठीक है ना, तो ठीक है अब तो फ़ोन भी बंद होने वाला है। ये फाइनली टाइम आ गया हमारा, हमें जेटी तक लेके जा रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे जेटी की, क्योंकि मैं कभी जेटी में बैठी नहीं थी, और यहाँ पे जेटी के अंदर एक और छोटा वेटिंग रूम था जहाँ पे हमको बिठाया गया था, हमारा जेटी आया था उसका क्लीनिंग वगैरह चल रहा था, तो हम बस वहीं खड़े के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये अपना प्लेन नहीं है, इसके आगे है अपना प्लेन, बस
हिरेन जी आगे आगे चल रहे थे और मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, मैं उनको बोल रही थी आप चलो आगे आगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी तो अपने साथ घुमाना था ना, इसलिए मुझे वीडियोस बनाना ज़रूरी थे, तो सो मैं वीडियो बना रही थी। Flight deck, two wind decks by the second row of the seats and one at the cabin, just came in. Life jackets underneath your seat. Cabin crew हमें यहाँ पे अपने सारे instruction follow करने के लिए बता चुके थे कि हमें क्या क्या करना है जेटी पे बैठ के, सो बस उसके बाद में इंस्ट्रक्शन होने के बाद में उन्होंने अपना जेटी स्टार्ट किया और बस स्टार्ट किया और हम चल पड़े अपने रिजॉर्ट की और देखिए यहाँ की फीलिंग। आसमान पे तो उड़े थे लेकिन पानी से उड़ना हमारा फर्स्ट टाइम था गाइस। सो जो नहीं उड़े कभी पानी से, शिप में तो हर कोई बैठा होगा लेकिन प्लेन से उड़ना वो भी पानी के ऊपर से, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो ये है पूरा माले सिटी, मालदीप का माले एक सिटी है जो अभी ट्रैवलर्स के लिए बंद है, ट्रैवलर्स को अलाउड नहीं है माले सिटी में जाना। हमको जो प्राइवेट अपने आइलैंड्स हैं हम सिर्फ वहीं जा सकते हैं और जो वो बहुत छोटी सिटी है माले सिटी, बहुत छोटी सिटी है वहाँ की और लेकिन बहुत सुंदर लगती है, चारों ओर पानी पानी और बीच में एक छोटे से आइलैंड पे एक छोटी सी सिटी, वो उसका नाम है माले। और ये देखो ये है प्राइवेट आइलैंड्स मालदीव्स के, प्राइवेट आइलैंड्स पे प्राइवेट रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ पे अभी ट्रैवलर्स को अलाउड है। कुछ सर्टिफाइड रिजॉर्ट्स हैं जो अभी खुले हैं और हमें वहाँ जाना अलाउ किया गया है, फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में है। हमारे कोविड टेस्ट हुए थे और हमारे रिटर्न टिकट्स भी हमारे पहले ले लिए गए थे, हमारे चेकआउट का टाइमिंग, चेक इन का टाइमिंग, कितने डे के लिए हम स्टे करने वाले हैं यहाँ मालदीव में, कौन सा रिजॉर्ट है, वो सब हमसे डिटेल ले लिया गया था मालिक एयरपोर्ट में ही। और ये देखो ऊपर से कितना सुंदर लगता है, मैंने आपको पहले भी फ्लाइट में दिखा दिया था कि यहाँ से कितना सुंदर लगता होता है। ये हम लोग अभी लैंड करने वाले थे अपने प्राइवेट आइलैंड पर और ये देखो पानी के ऊपर ही उतरना था और मैं भी कभी, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग था पानी के ऊपर उतरना। और ये जेटी बहुत छोटा होता है, इसमें सिर्फ 14 जन का ही ट्रेवल हम कर सकते हैं, सिर्फ 14 लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन गाइस प्राइवेट आइलैंड पे उतरने वाले थे अपने रिजॉर्ट के यहाँ पे और ये देखो पानी के इतने नज़दीक आ चुके हैं हम लोग कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कैसा होगा, कहीं डूब ना जाए, कहीं गिर ना जाए, फ्लाइट को कुछ हो ना जाए, बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन पानी के ऊपर उतरने का एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सिर्फ एक ही चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर आप लोग कभी भी किसी, मतलब किसी प्लेन का ट्रांसफ़र करते हैं अपने आप को, अगर आप किसी सी प्लेन से जाते हैं तो वो जब मतलब फ्लाई करता है तो उसकी शोर और आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ अपने बैग में कॉटन ज़रूर रख ले ताकि आप अपने कान में डाल सकें, क्योंकि उसका शोर इतना ज़्यादा होता है कि अपने कानों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं तो डर ही रही थी जब प्लेन फ्लाई कर रहा था, उसका आवाज़ कंटिन्यू कम से कम 25 to 30 मिनट्स के लिए हमारा ये ट्रेवल था माले एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट तक का, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था उसमें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का वेलकम पूरा ढोल वगैरह के साथ, मतलब एकदम बहुत इंटरेस्टिंग था गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था वेलकम भी। और ये मैं इंजॉय कर रही थी बाइक
गॉड सीरियसली, जो मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कब पहुँचेंगे कब पहुँचे, सो फाइनली पहुँच गए और मैं यहाँ के वेदर को इन्जॉय करने लग गई थी तुरंत। और मैं इनको बोल रही थी कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो बनाओ जेटी के साथ में, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्साइटेड तो होंगे ऑफकोर्स गाइज, सीरियसली। और ये है यहाँ का रिजॉर्ट की तरफ एंटर। यहाँ पे सब लोग आगे जा चुके थे और हम काफ़ी लेट हो गए थे पीछे, वरना इन्होंने पूरा हमारे ढोलक ऐसा बजाते हुए ही हम लोग को साथ में लेके गए थे, बस सब लोग आगे जा चुके थे और हम पीछे रह गए थे। ये देखो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, और मैं स्टोरीज और फोटोज़ अपडेट ज़रूर करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ तक का सफ़र बस यहीं ख़त्म होता है, इसके आगे का जो है मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखा दूँगी।